अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू निशास वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए और ऑल वाला ऑप्शन को भी क्लिक करना ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिले सबसे पहले। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडमान स्टाइल की पायसम की रेसिपी, आप इसे खीर भी कह सकते हैं। ये मैंने अपने बर्थडे पे बनाया था और बहुत टेस्टी था, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें दो कोकोनट चाहिए, उसमें से 1.5 कोकोनट को हम कुरच लेंगे और 1/2 कोकोनट हम साइड रख देंगे और एक कुरचा वाला कोकोनट को हम पीस लेंगे। तो इसमें से 1/2 डालने के बाद उसमें गर्म पानी डालेंगे और उसको अच्छे से पीस के उसका पहला जो थिक वाला दूध है वो निकाल देंगे। यानी कोकोनट फर्स्ट जो कोकोनट मिल्क का होता है वो थोड़ा थिक होता है, उसे निकाल के एक बोल में रख देंगे साइड। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये मैंने पहला दूध निकाल दिया, अभी इसे साइड रख देंगे। फिर से वही सेम कोकोनट को मिक्सी के जार में डालेंगे, उसमें गर्म पानी डाल के अभी हम सेकंड दूध निकालेंगे उसका। देखिए, इसका पीस लिया मैंने, अभी इसका सेकंड दूध हम निकालेंगे। देखिए ये पतला होता है, तो हम इससे पहले एक बेसन लेके उसमें हम ये पतला वाला दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद आपको जितना कितना बनाना है उसके हिसाब से उसमें पानी डालना है। और मैंने यहाँ में 3 क्यूब्स गुड़ का ले लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसे पिघलाने रख दिया है और इसमें पानी भी डाल दिया। और उसके बाद 1 कप मूंग दाल लिया है, 1 कप मूंग दाल डाल दिया है मैंने इसमें, और 1 कप साबूदाना लिया है मैंने। और इसे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। ये देखिए, मूंग दाल और साबूदाना अच्छे से पक गया है, लो फ्लेम में रख के आपको उसको पकाना है। जैसा ही वो पक जाएगा, जो हमने हमारा गुड़ को जो पिघला के रख दिया था, अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। छलनी में छानने के बाद हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये देखिए, गुड़ डालने के बाद जब हम मिक्स करेंगे, ये है रियल पायसम का कलर, ऐसा होता है पायसम का कलर। अगर आप गुड़ नहीं डालेंगे तो पायसम का कलर वाइट ही रहेगा, तो आपको दिखने में एक सुंदर नहीं रहेगा। इसलिए जब गुड़ डालेंगे तो पायसम का कलर, जब ये कलर आता है, इसको कहते हैं हम अंडमान स्टाइल पायसम। तो आपको गुड़ ज़रूर डालना है, थोड़ा है तो भी डालिएगा ज़रूर। फिर उसके बाद मैंने 5 से 6 इलायची डाल दी है, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर एक मिक्स करने के बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। पहले नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, फिर इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे हम। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, इसका रेसिपी मैंने पहले मेरे चैनल पे दे दिया, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। चलिए इसे अच्छे से मिक्स करके आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, पहले ही ज़्यादा कंडेंस मिल्क नहीं डालेगा वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप टेस्ट करने के बाद डालिएगा। ये देखिए, एक बॉयल आ चुका है कंडेंस मिल्क डालने के बाद। अब हमारा इसमें हमारा जो पहला फर्स्ट जो दूध है वो डालेंगे। ये देखिए, जो मोटा वाला दूध है वो डाल के इसे बॉईल आने के लिए वेट नहीं करना है। पहला दूध डालने का, तो आपको गैस का फ्लेम जल्द से जल्द बंद करना है, वही टाइम बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, बॉईल आने वेट नहीं करेगा, फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने। अब मैंने 1 कप काजू किशमिश और जो दूसरा एक नारियल रखा था 1/2, उसको भी छोटा पीस में कट कर दिया है। अब इसे मैंने घी में फ्राई करके इसमें डालूंगी। ये देखिए, इसे मैंने घी में फ्राई कर दिया है, अब हम इसमें डालेंगे और हमारा पायसम रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये फाइनल लुक, हमारा पायसम रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशास वर्ल्ड।